कटिहार जिला के विधानसभा प्राणपुर क्षेत्र से एमआईएम के युवा नेता शाह फैजल साहब, आपके बारे में काफी चर्चाएं सुनी जा रही है। जब से आप पार्टी से जुड़े हैं, आपने लोगों के बीच जाकर के अच्छा काम किया है, और चूंकि आज आपने पार्टी से एक नेत्री को जोड़ा है जिनका नाम श्रीमती शोभा सोरेन है, मैं चाहता हूं कि आप उनके बारे में दो शब्द अपना राय रखें। देखिए, आज सबसे पहले तो आज पार्टी के लिए, खास करके कटिहार जिला के लिए बहुत बड़ी बात है कि मजलिस में आज एक ऐसी नेत्री का ज्वाइनिंग हुआ है जो पिछले 10 वर्षों से समाज सेवा करते आ रही है, और खास करके हमारे आदिवासी समाज से आज एमआईएम में ज्वाइन हुई है। और इनकी सोच हमेशा रही है कि इनका जो असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो आइडियोलॉजी है, जो अख्तरुल ईमान साहब का आइडियोलॉजी है, उनसे काफ़ी प्रभावित हुई है, और इनका कहना है शोभा जी का, और हम सभी इस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि जो है हमेशा मजलूमों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए हमेशा जो है अख्तरुल ईमान साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा आवाज़ को बुलंद किए हैं, आदिल हसन आज़ाद साहब। तो आज उन्हीं लोगों से प्रेरणा लेकर आए शोभा सोरेन जी पार्टी में आई। पिछले एक वर्ष से हमारे संपर्क में थी है, और इनका हमेशा एनआरसी का मुद्दा हो या जो भी मजलूमों का और भी कोई मुद्दा हो, उसमें हमेशा आवाज को बुलंद की है शोभा सोरेन जी। कुल मिलाकर के इनका जो विचारधारा है वो सेक्युलर विचारधारा रहा है, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप श्रीमती शोभा सोरेन जी को कितने दिन से जानते हैं, पिछले कितने दिनों से आपका इनसे संपर्क रहा है? शोभा सोरेन जी को हालांकि हम काफी दिनों से जानते हैं, और खास करके जो हम लोग कई प्रोग्राम एक साथ मिलकर भी हुआ है, जब एनआरसी का मुद्दा आया उसमें जगह जगह मनिहारी से चलकर ये बारसोई भी आई, मनिहारी से चलकर धूमनगर हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी आई है, मनिहारी चलकर ये कदवा भी आई है। तो इनका अंदर जो जुनून और जज्बा जो देखा मैं, तो शुरू से लगा कि ऐसी नेत्री अगर हमारी पार्टी में आती है, एमआईएम में आती है, ज्वाइन करती है, तो पार्टी को एक मजबूती मिलेगी, और खासकर कटिहार जिला में एमआईएम पार्टी अब मैं समझता हूँ कि और ज्यादा मजबूत हो गई है। साहब फैजल साहब, आप ये बताइए कि चूंकि ये मैडम जो है ये चुनाव लड़ने के मकसद से आई है, प्रथम दृष्टिया यही पता चल रहा है, और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि एमआईएम में अभी काफी लोग, एक एक विधानसभा से कई सारे दावेदार लोग आए हैं, ऐसी स्थिति में हो सकता है चूंकि ये नई नेत्री है तो ये पिछड़ सकती हैं, तो आपको क्या लगता है इनका कदम कैसा रहेगा पार्टी के प्रति? ये पार्टी में रहेंगी, छोड़कर चली जाएंगी, बगावत करेंगी, क्या करेंगी? ये देखिए, ये तो सबसे पहले बहुत खुशी की बात है कि आज एमआईएम के प्रति असदुद्दीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में लोग जो है बहुत ज्यादा इस पार्टी में लगातार ज्वाइन हो रहे हैं, और ये तो समझिए कि अभी बिहार में ये सबसे जो मैंने बड़ी पार्टियों में से बन के उभरेगी, और क्योंकि 50 सीट पर लड़ने का पार्टी ने अब जो है लगभग घोषणा कर चुका है, तो मुझे पूरी उम्मीद है जैसे शोभा सोरेन जी जो आई हैं, ये बिल्कुल पार्टी के एक सदस्य बन चुकी हैं, ये पार्टी में रहेंगी, और ये एक हमारा एक परिवार बन चुकी है इस एमआईएम पार्टी का, तो जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है, इनकी विचारधारा बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। लेकिन आपको क्या लगता है, आपका अनुमान क्या है, क्योंकि ये सामने बैठी हैं, आपको क्या लगता है अगर इनको टिकट नहीं मिला तो ये क्या करेंगी? अगर टिकट का फैसला तो आला कमान करेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, आदिल हसन आज़ाद साहब, ये लोग मिलकर और पार्टी के जो कोर मेंबर हैं वो लोग इसको डिसाइड करेंगे। तो इसलिए शोभा सोरेन जी का भी ये कहना है कि पार्टी का जो डिसीजन होगा, पार्टी जो अगर इनको जिम्मेदारी देती है, तो खास करके मुझे पूरी उम्मीद है कि मनिहारी के लिए ये शोभा सोरेन जी एक बेहतरीन नेत्री हैं, और पार्टी अगर इनको जिम्मेदारी देती है तो हमको उम्मीद है कि ये बखूबी निभाएंगी। और जहाँ तक ये सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए शोभा सोरेन जी नहीं आई हैं, बल्कि पार्टी को मजबूत, मतलब ये पार्टी से जुड़ी रहेंगी, पार्टी नहीं छोड़ेंगी। चलिए साहब फैजल साहब, आप खुद के बारे में बताइए, क्योंकि आप भी एक युवा नेता के तौर पर में उभर रहे हैं और काफी लोकप्रियता, खास करके सोशल मीडिया के जरिए आपका देख रहा हूँ, आपका क्या मकसद है जनाब, आप भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं क्या? देखिए, ये तो फिर से मैं यही कहूंगा कि ये तो पार्टी डिसाइड करेगी कि किसे चुनाव लड़ाना है, लेकिन पिछले कई वर्षों से सिर्फ प्राणपुर ही नहीं बल्कि कटिहार जिला में हमने लगातार 2016 के बाढ़ में, 2017 के बाढ़ में बहुत बड़े पैमाने पे काम हुआ है। उसमें लगभग हम लोगों ने 30,000 परिवार को बड़े पैमाने पे राहत सामग्री दिया, और 250 विकलांगों को हम लोगों ने गाड़ी। प्राणपुर की बेसिक समस्या क्या है, मतलब प्राणपुर की बेसिक समस्या जो है मेनली महानंदा नदी जो है, ये दोनों ही छोर में प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र है। प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्वी छोर में 23 पंचायत है और पश्चिमी छोर में 17 पंचायत है। कुल 40 पंचायत का जो प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र है, ये हमारा महानंदा नदी के दोनों ही छोर में है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर भी बाढ़ और कटाव की समस्या हर वर्ष आती है। ये जो सबसे बड़ी परेशानी है विस्थापितों को, उनको जो है सही जगह दिलाना, सरकार से उनका मुआवजा देकर उनको ज़मीन मुहैया कराना, ये सब हम लोगों की कोशिश रहेगी। इसके अलावा जो दो बड़ी समस्या है, वो
प्राणपुर इसमें महानंदा नदी पर आजमनगर खोपड़ा रोहिया पुल महानंदा नदी पर बनना बहुत ही अत्यावश्यक है, क्योंकि वहाँ के लोगों को 27 किलोमीटर घूमकर प्रखंड मुख्यालय आना पड़ता है। अगर वो ब्रिज बन जाएगा तो सिर्फ 2 किलोमीटर का सफर रहेगा प्राणपुर के। चलिए, वो तो आपका लग ही रहा है, आपका विजन क्लियर है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी प्राणपुर के जो मौजूदा विधायक है उनके कार्यों से आप कितना मुतमईन है? उनके कार्यों से तो बिल्कुल, हम उनको अगर अंक देने कहिएगा आउट ऑफ 10 मैं उनको 0 दूंगा। इसमें इसलिए दूंगा क्योंकि पिछले 10 वर्षों से लगातार विधायक है, अभी बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन इनका कार्यकाल जो रहा 10 वर्ष, और उनका नाम बोल दीजिए किस पार्टी से हैं? वो भाजपा से हैं और इस बार हम लोग MIM भाजपा को हराएंगे और उनको जबरदस्त ढंग से शिकस्त देंगे, क्योंकि उन्होंने पब्लिक के साथ सिर्फ छलावा किया है और हमारे मंत्री जी विनोद सिंह जी को पूरे प्राणपुर विधानसभा के क्षेत्र के जनता के साथ धोखा किया है, भाजपा ने धोखा किया है। उनको माफी मांगनी चाहिए प्राणपुर विधानसभा के तमाम लोगों से, क्योंकि काम कुछ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ जो हवाबाजी किया है, और हवाबाजी से काम नहीं चलेगा। अब लोग क्षेत्र की जनता लोग जान चुके हैं, अब मुझे काम चाहिए और ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे बीच रहते हैं, जो हमारी समस्याओं को सुने। और प्राणपुर में ये आवाज बहुत बहुत जोरदार जोर पकड़ा है कि अब सिर्फ और सिर्फ लोकल विधायक होगा, बाहरी विधायक एक भी नहीं चलेगा। विनोद सिंह जी प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से नहीं है, वो प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के बाहर से कटिहार के बगल से है, वो कटिहार के नजदीक उनका गाँव है और वो कोल्ड स्टोरेज भी बनाए तो मंत्री बनने के बाद अपने मनसाई में बनाए, अपना घर के पास बनाए, जबकि विधायक हमारे प्राणपुर से हैं, उनको यहाँ बनाना चाहिए था। और उनका ज्यादातर काम मंत्री बनने के बाद अपने अपने क्षेत्र में, अपने गांव और अपने जहाँ उनका निवास स्थान है वहाँ पे बन रहा है। हमारे प्राणपुर विधानसभा का उन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए लगातार काम कर रहे हैं और फिर से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब मैं यहाँ के लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि वो किस बेसिस पे चुनाव फिर से जीतने का, या माफी मांगकर, वो ऐसे लोग सिर्फ माफी मांगकर चुनाव में दोबारा। चलिए, अंत में एक सवाल है साहब फैजल जी, जो मैडम से मैंने किया था कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो ऐसे में आपका फैसला क्या होगा? बिल्कुल, आलाकमान का फैसला सर आंखों पे होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, आदिल हसन आजाद साहब और जो कोर टीम है उनका जो डिसीजन होगा वो सर्वमान्य।